अयोध्या केस में सालों से पेंडिंग केस में अब फैसला आने को है। इसी के मद्देनजर आगरा की पुलिस जगह जगह सतर्क दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में आगरा के बाहर के पिनहाट पुलिस भी सतर्क दिखाई दी। सीओ पिनहाट बीएस बीरबा थाना प्रभारी पिनहाट अंजिस कुमार ने पिनहाट कस्बे में बैठक की, साथ ही हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों को समझाया। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करने की भी उन्होंने अपील की। फैसले के दौरान आतिशबाजी, जुलूस, रैली, जश्न, मिष्ठान वितरण करने वालों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की, ये बताया सीओ ने। सीओ पिनहाट व थाना प्रभारी पिनहाट ने कस्बे में पेट्रोलिंग कर सांतिक समुदाय के साथ सभी से रहने की अपील की। थाना पिनहाट क्षेत्र के राजाखेड़ा रोड दाऊजी मंदिर पर ये बैठक आयोजित हुई, जिसमें और वो सर्वव्यापी है, पूरी दुनिया वो चला रहा है, उसको कोई विवाद नहीं ना, उसको कुछ जो ना जानते हुए केवल वहां की जमीन तय हो रही है किसकी है। बस जैसे दो पार्टियों में विवाद हो जाता है तो माननीय न्यायालय जाते हैं, खेत का विवाद हो जाता है, मकान का विवाद हो जाता है, माननीय न्यायालय तय कर देता है कि भाई इतना पैसा तुम्हारा, इतना तुम्हारा, यही तुम्हारा है, यही बस मान लिया जाता है। हम लोग उसे शायद स्वीकार करते हैं, माननीय न्यायालय वही चीज आनी है, लेकिन चूंकि वो आस्था से जुड़ा हुआ है। सराजी पिनहाट कस्बे में जो मीटिंग का आयोजन किया है, वो आयोजन किया गया वो किस मामले को लेकर किया गया? देखिए, सरकार का ये निर्देश है कि सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी जनता के बीच जाए, उसी क्रम में हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। हम लोगों ने पिछले 5-7 दिन से मीटिंगों का दौर शुरू किया है, जिसमें हमारा जो विषय है वो एक ये दो विषय है। एक तो ये सरकार की जो योजनाएं हैं, जो चीज़ें हैं उनको बताई जाए, कोई समस्या हो उनसे जाना जाए। दूसरा हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या मामले पर निर्णय भी आना है, उस संबंध में भी हम लोग बात कर रहे हैं कि एक स्वामित्व का विवाद है वो तय होना है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया जाएगा वो सबको मान्य होगा, स्वीकार होगा, उसका हम स्वागत करेंगे। किसी प्रकार की कोई भी रैली, आतिशबाजी, इस तरह का कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे समाज में कोई विद्वेष की भावना पैदा हो या कोई इस तरह की स्थिति हो जिससे कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। तो हमारे सभी लोग जो है यहाँ के बड़े अच्छे हैं, सब लोगों ने वादा किया, संकल्प किया कि हम लोग जो है जो फैसला आएगा उसे शांति से स्वीकार करेंगे और कानून का साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे। हम लोगों ने इस तरह की मीटिंगें अब तक 17-18 मीटिंग हम लोग कर चुके हैं सर्किल में, और कस्बे में भी कम से कम यहाँ 5-6 मीटिंग कर चुके हैं, गाँव में भी मीटिंग की है। लगातार हम लोगों से मिल रहे हैं, एक तो उनसे परिचय भी हो रहा है, उनकी समस्या भी जान रहे हैं, और दूसरा अपना संदेश भी दे रहे हैं कि आप लोग जो है शांति सौहार्द बनाए रखिए, किसी प्रकार की समस्या हो तो हमें बताइए और हम उसको।